प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 200 सीटें लेकर आएंगे, किसकी मानूं, आपकी मानूं, उनकी मानूं? आप लोग हम लोग की मानिए, जनता वोट देती है। जनता बोल रही है या समर्थक बोल रहे हैं? ये जनता बोल रही है, ये समर्थक नहीं है। बड़ी तेजी में बोले चाचा। हाँ, बोले बोले चाचा। देखिए चाचा जो है गुस्से में आ गए, लेकिन बोले नहीं, पूरी बात नहीं बताई। वो मोदी कहता है कि हमारे यहाँ पे हिंदू खतरे में है। पूछ सकते हैं हमारे हिंदू भाई से। वो जी बताइए, खतरे में तो नहीं है? कोई खतरा नहीं, हम लोग सब हिंदू भाई लोग, सब मुसलमान भाई लोग। अरे रटी रटा स्पीच बोल रहे, इतनी स्पीड में बोले जा रहे हैं, बड़े आशंकित होकर देख रहे, क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। ममता जी रहेगी हुकूमत में। अरे ममता दीदी, ममता दीदी, यहाँ भैया कोई तो होगा जो मोदी कह दे, कोई है? कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत देर से साइलेंट है, कहीं आप भी तो नहीं साइलेंट उठ रहे? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये बताइए 2019 में 40% वोट शेयर था लोकसभा में, आप तो नहीं थे? नहीं भाई, हम तो नहीं थे। 60% वाले में से थे? हम तो 100% दीदी वाले में। खेला होवे कि परिवर्तन होवे, यही तो नारे हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में इस वक्त धूम मचा रखी है। और ऐसे में इस समय मैं मौजूद हूँ बेनीपुर में, यहाँ पे कुछ लोगों से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर माहौल क्या है। तो सीधे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर माहौल क्या है। सबसे पहला सवाल सीधे ये नहीं पूछूंगा कि ममता दीदी या शुभेंदु दादा, सबसे पहला सवाल 2019 में मोदी जी ने कहा था चुपचाप कमल छाप, इस बार भी ऐसे ही कुछ तो नहीं होने वाला? तो सबसे पहले ये बता दूं आपको कि आपने बोला ममता दीदी या शुभेंदु दादा, शुभेंदु दादा को हटा दीजिए, ममता दीदी तो शुभेंदु दादा पसंद थे। हाँ बताने दीजिए, ममता दीदी वर्सेस मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये तीन, एक तरफ ममता दीदी और एक तरफ ये तीन और इनके पूरे कैबिनेट, और ममता दीदी का झंडा यहाँ पे गड़ाएगा। 2 मई को ममता दीदी जीतेंगी और पूरा हिंदुस्तान में उनका डंका बजेगा। ठीक है, ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 2 मई को ममता दीदी जीतेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 200 सीटें लेकर आएंगे, किसकी मानूं, आपकी मानूं, उनकी मानूं? आप लोग हम लोग की मानिए, जनता वोट देती है, वोट देने जनता जाती है, और पूरा जनता, आप लोग यहाँ पे पूरा बंगाल में घूम लीजिए, जनता की आवाज है, कहीं भी जाइएगा तो जनता चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि दीदी और जोड़ा पुल, यहाँ पे साइलेंट वोटर कुछ नहीं चलेगा, जो है सब खुल के वोट देंगे। जनता बोल रही है या समर्थक बोल रहे हैं? ये जनता बोल रही है, ये समर्थक नहीं है, आप देख लीजिए, ये जनता देखिए। बड़ी तेजी में बोले चाचा। हाँ बोले बोले चाचा। देखिए चाचा जो है गुस्से में आ गए, लेकिन बोले नहीं, पूरी बात नहीं बताई। जनता है, समर्थक है, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जनता। देखिए जनता का अंदर इतना जज्बा है, जनता का अंदर इतनी जज्बा है कि ममता बनर्जी का काम से हर कोई खुश है, यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खुश है। वो मोदी कहता है कि हमारे यहाँ पे हिंदू खतरे में, आप हमारे समझ में, मेरे हिंदू भाई है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो खतरे में या सही में है, पूछ सकते हैं हमारे हिंदू भाई से। वो जी बताइए, खतरे में तो नहीं है? कोई खतरा नहीं, हम लोग सब हिंदू भाई लोग, सब मुसलमान भाई लोग। अरे रटी रटा स्पीच बोल रहे, इतनी स्पीड में बोले जा रहे हैं, हम लोग बोल लेना, हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक संग है। मैंने सवाल पूछा ही नहीं है वाला, आप कहाँ, ये बताइए यहाँ पर जो माहौल है क्या लगता है? हम लोग बहुत अच्छा लगता है, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए एक नेता है जो बीते 10 सालों से यहाँ पर सत्ता में काबिज है, तो ऐसे में एक इनकम्बेंसी वाली बात होती है, एंटी इनकम्बेंसी, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ कमी है जो लग रही है? अगर शायद बीजेपी आ जाए तो वो कमी पूरी हो सकती है? बीजेपी आने से हम लोग का बहुत खतरा है, हर चीज में खतरा, इसलिए गरीब आदमी लोग मर जा रहा, तेल का दाम बढ़ जा रहा, गैस का दाम बढ़ जा रहा, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम लोग खटने वाला लड़का लोग है, हम लोग गरीब आदमी लोग कहाँ से? देखो बीजेपी अगर गैस के दाम बढ़ा रही है तो वो कम भी कर सकती है, ममता दीदी क्या करेंगी? पैसे खत्म है तो कम करके क्या मिलेगा, पैसा ही तो नहीं रहेगा पास में, तो फिर गैस। ममता दीदी इतनी पसंद क्यों है, 3 लाइनों में बताइए। ममता दीदी जो है वो जमीनी नेता है, सच्ची नेता है, और हमेशा अच्छी नेता है, लोगों के लिए, हक के भले के लिए। अच्छा, इस जमीन पर कभी पूछने आई आपका कि क्या हाल चाल है? बिल्कुल पूछने आई, हर वक्त आती है, और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो हर दुख दर्द में, अभी जो कोरोना काल गया, कोरोना के वक्त में दीदी ने जो फ्री में दिया वो तो दिया सरकार के तरफ से, उनके जितने नेता मंत्री सब एरिया टू मोहल्ला गुरगुर के सब लोगों का दुख दर्द पूछ के उसको दूर करने में लगे हुए थे, हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, खाना पीना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं, तो ये इसीलिए बोला जाता है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर की पार्टी है। अनुभव, ऊर्जा, युवा, इतनी शानदार तरीके से बताया, अनुभव से पूछ लेते हैं, अनुभव से पूछ लेते हैं, ये बताइए चाचा क्या लग रहा है माहौल? बड़े चुनाव देखे आपने, इस वाले चुनाव में क्या अंतर और क्या नया होने वाला? अगर बीजेपी आ जाएगा, बहुत सी बात बोला है, झूठी बात बोला है, 15 लाख रुपया हम आप लोग के लिए देंगे, 15 पैसा नहीं मिला, वो इंसान है, वो तो जानवर है,
इससे पहले यहाँ पर लेफ्ट का शासन रहा, आपने खूब देखा, भरपूर देखा, बड़ा दंगा, हिंसा हिंसा सब हुई। टीएमसी आई, टीएमसी ने भी खूब जोर आजमाई इसके साथ लड़ाई लड़ी। अब बीजेपी कह रही है भैया परिवर्तन देख लो, क्या समस्या? परिवर्तन कैसा ही होगा, ये तो परिवर्तन डेंजर है, खतरनाक है हम लोग के लिए, ये जो कह रहे हैं। अच्छा ममता दीदी कितने साल और टर्म रिपीट कर जाएंगी? अगर देखो बड़ा, जब ममता दीदी के बारे में पूछते हैं तो बड़ा ऊर्जा दिखती है लोगों के लिए, आंखों में चमक दिखती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताओ कितने टर्म और रिपीट कर जाएंगे? रिपीट की बात है, इंसान का तो खुद का भरोसा नहीं है कितने दिन बचेगा, लेकिन हम लोग का ये यकीन है और अल्लाह पर यकीन है, पूरे अमाम पर ये डिपेंड करता है, आइंदा जब तक हम लोग जिंदगी रहेगी तो हम लोग ममता बनर्जी का सरकार। बड़े आशंकित होकर देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। ममता बनर्जी रहेगी हुकूमत में। अरे ममता दीदी, ममता दीदी यहाँ भैया कोई तो होगा जो मोदी कह दे, कोई है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। देखिए मोदी अगर शुरू से ये भेदभाव नहीं करते, ये डिवाइन एंड रूल करते हैं, हर वक्त क्या अभी वोट किस बेस पर मांग रहे हैं मुझे ये बताइए आप। अरे वो देखिए जो विपक्ष वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं ममता दीदी डिवाइड करती है, हम तो भैया यूनाइट करते हैं। वो कैसे डिवाइड करते हैं? आप देखिए यूपी में देखिए किस हाल हो रहा है, यूपी में हिंदू मुसलमान करके काटा जा रहा है, ये करा जा रहा है। हमारे बंगाल में देखिए, आप बंगाल में कहीं देखिए कहीं दंगा फसाद हो रहा है? आप तो यहाँ आप लोग के माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से देखते होंगे कि बंगाल में कहाँ पर किस स्टेट में क्या हो रहा है, लेकिन हमारी बंगाल ऐसी स्टेट है जो जो हिंदुस्तान कल सोचेगा हमारी बंगाल आज सोचता है, जो हिंदुस्तान कल सोचेगा हमारे बंगाल आज सोचता है। लेकिन साइलेंट वोटर की बड़ी चर्चा है, साइलेंट वोटर का छिपा हुआ है, आप में से है कोई यहाँ? कोई साइलेंट, सही सही बताना, धीरे से डाल के बीजेपी भी तो नहीं चुपचाप छाप कर दोगे? यहाँ पे कोई साइलेंट वोटर नहीं है। या आपको याद होगा जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होने जा रहा था तो सबसे पहले यहाँ की जनता ने आवाज उठाई थी और पूरे ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा गया था। यहाँ पे कोई साइलेंट वोटर नहीं है, बंगाल में हमेशा आवाज बुलंद करके बोला था, और इस बार आप पूरे जगह में घूरेंगे तो एक ही आवाज है, ममता दीदी आए। भैया बहुत देर से साइलेंट है, कहीं आप ही तो नहीं साइलेंट वोटर? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये बताइए 2019 में 40% वोट शेयर था लोकसभा में, 40% वोट शेयर, आप तो नहीं थे? नहीं भाई हम तो नहीं थे। 60% वाले में से थे? हम तो 100% दीदी वाले में थे। 100% दीदी वाले में थे। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। लड़का बड़ा छोटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ना भागो मत, देखो भागोगे ना तो कल को इंटरव्यू कैसे फेस करोगे ये बताओ। अब ये बताओ यहाँ पर देखो, ये तो बड़े लोग हैं, समझदार है, ठीक है, तुम बताओ राजनीति के थोड़ा बहुत जानते हो? नहीं नहीं है, चलो ठीक है। ममता दीदी मोदी, हमको ममता दीदी, देखो भैया राजनीति की समझ हो ना हो लेकिन ममता ममता दीदी है, सबको यहाँ पर यही बात कर रहे हैं। भैया से बात कर लेते हैं, भैया सीधे सीधे एजुकेटेड आदमी राजनीति की बहुत बढ़िया समझ रखते हैं, सीधे सीधे लहजे में समझाने की कोशिश कर दीजिए कि इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी हवा बह रही है कि हर किसी के मन में, हर किसी के दिल में ममता दीदी बास कर रही है। देखिए आपने कुछ देर पहले पूछा ना कि यहाँ साइलेंट वोटर है, क्या कमाल है। जब 2 तारीख को वोट बैंक खुलेगा, जब EVM खुलेगा, साइलेंट वोट यही आपको दिखेगा कि सुमेंदु अधिकारी ने भी वोट TMC को दे दिया जा करके। वो इलेक्शन के दिन इतना बुखलाए, मैं तो इनको समझ ही नहीं। भैया भैया ने तो माहौल ही पलट दिया, कह रहे सुमेंदु अधिकारी भी ममता दीदी को दे देंगे। जो इंसान उंगली पकड़ के किसी का राजनीति सीखा है उसको राजनीति के बारे में पता ही नहीं, बहुत खेला होता है। सुमेंदु जी रात भर सोए नहीं, सुबह से मैदान मैदान और EVM दौड़ रहे थे, और दीदी भांगा पाँव टूटा पैर लेकर के 1-12 बजे या 2 बजे के एक EVM में जाके बैठ गई कि भाई ठीक है तुम खेल लो जितना खेलना, हम तो खेल चुके हैं। उसका हार का दिन 2 तारीख को तय है। और रहा सवाल यहाँ के माहौल का, तो माहौल देखिए माहौल बनाया जाता है। BJP यहाँ आए, उन्होंने माहौल बनाया कि BJP, पर यहाँ बंगाल का माहौल ये है ही नहीं कि यहाँ पे TMC आना, यहाँ का माहौल है कि हमें 2024 में मोदी को काड़ फेंकना है। BJP कह रही है कि ममता दीदी नंदीग्राम से हार रही है, अब कहीं और से चुनाव लड़ लें, रास्ता देखें भैया, तो बताइए भैया। रास्ता कहाँ देखेंगे, ममता दीदी हार नहीं सकती है। नहीं हार सकती है, कैसे पता आपको? कैसे पता है, BJP 3 नंबर में रहेगा आपको, 1 नंबर में दीदी रहेगी, 2 नंबर में BJP आपका CPM कांग्रेस रहेगी, और 3रा नंबर में मुस्लिम फैक्टर कितना रोल प्ले कर रहा है? एटलीस्ट कम से कम 70-75% मिलेगा आपको वोट मुस्लिम से। अच्छा ये बताइए, ठीक है आपने बता दिया मुस्लिम जो मिलेगा 72% TMC को मिल जाएगा। फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा साहब, उन्हें जानते हैं? उनका बड़ा प्रभाव दिखता है मुस्लिम से। भैया तो बोला वोट काट ले जाए, अब्बास सिद्दीकी कौन है भैया? अब्बास सिद्दीकी ये तो भी जन्मा है भैया, दिल्ली में तो बड़ी चर्चा है, दिल्ली में तो कहते हैं भैया ये खींच ले जाएंगे वोट काट देंगे, ये सब नए नए मदारी है, वो खेला दिखाएंगे चले जाएंगे। असदुद्दीन की एंट्री हो गई, बोलना चाहता हूँ। पहला बात जो ये फैलाया जा रहा है कि दीदी दूसरा सीट खोज रही है,
ये उठाया हुआ है मोदी का। जिस दिन नंदीग्राम में इलेक्शन चल रहा है, मोदी जी एक जगह जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे बोले सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए इलेक्शन का जो रूल्स है MCC जिसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसका वायलेशन किया है कि एक जगह इलेक्शन चल रहा है और बोल रहे कि वहाँ से कैंडिडेट दीदी जो है हार रही है। तो एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने इतना गलत मैसेज दिया, एक रूल का वायलेशन किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। पहला बात, वो मोदी का ही उड़ाया हुआ हवा है, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी कहीं से नहीं लड़ेगी, दीदी एक जगह से लड़ी है नंदीग्राम और बहुत बड़े मार्जिन से वहां से जीतेगी। और दूसरा बात, जो मुसलमान फैक्टर का बात हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी, ये लोग कहीं पे रोल में नहीं है, कोई मुसलमान इनको वोट नहीं देंगे क्योंकि ये BJP के फंड किए हुए पार्टी है, BJP ने इन्हें पैसे दिया। वो तो खुद को अपने आप को बताते हैं कि वो मुस्लिमों के नेता हैं, बड़े नेता हैं। अरे वो नेता बनने के, वो तो पैसा लेके नेता बने हुए हैं। जहाँ पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फेवरेट लोगों में से एक है, उनको जहाँ भेजेंगे वो लोग आते हैं, अमित शाह उन लोगों को पैसा दे देते हैं, वो लोग पैसा छीट के अपना पार्टी का भेजते, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए, बड़ी चर्चा हो रही है कि लोगों के अंदर डर है, बोल नहीं रहे TMC के मारे, बड़ी दिल्ली में चर्चा है, उस पर क्या कहेंगे? वो दिल्ली का आदमी सोच रहा, बंगाल का आदमी नहीं सोच रहा ये चीज। बंगाल का आदमी तो शेरनी का साथ है, जीतेगी तो ममता बनर्जी TMC पार्टी। बंगाल टाइगर दीदी, बंगाल टाइगर है। अच्छा ये बताइए, दीदी के खिलाफ तीन तीन बड़े बड़े धुरंधर डेली हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, माहौल कहीं बदल तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं होता दीदी, हेलीकॉप्टर उतर जाए या फिर आपको कुछ भी आ जाए, लेकिन दीदी अपने जगह हिलने वाली है। अमित शाह को चाणक्य के कहते हैं भैया, अगर माहौल बदल दिया फिर नहीं। आप दीदी को देखिए, कहीं हेलीकॉप्टर लेके गई, उन लोग के जान पे डर है, उन लोग कहीं आवाम बदल नहीं जाए, इसलिए जो हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर आ रहा है। आज होम मिनिस्टर यहाँ तक आ रहे हैं, आपने पहले कभी देखा? इससे पहले भी कई इलेक्शन हो चुके थे, कितने होम मिनिस्टर पहले आए कभी? अच्छा एक बात बताइए, एक बात बोलने दीजिए। देखिए ये जो नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह और ये योगी आदित्यनाथ और जो लोग कैबिनेट के सब लोग आ रहे हैं, जो बार बार हम लोग के बंगाल में आ रहे हैं, उन्हें ये डर है कि 2024 के इलेक्शन में कहीं हमारी दीदी जो है वो मोदी के खिलाफ जो है सबसे बड़ा मतलब कैंडिडेट है जो मोदी को टक्कर देके मोदी को पछाड़ सकती है, इसीलिए दीदी को रोकने के लिए ये सब हो रहा है। 2024 का तैयारी है ताकि दीदी को रोका जा सके, क्योंकि दीदी एक ऐसी है जो इन सभी नेता को जमीन में पछाड़ देंगी और कादा में डाल देंगी इन लोगों को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, कल तक ममता दीदी के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी, आज कह रहे हैं कि दीदी तो बेगम है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे पोलराइजेशन तुष्टिकरण हो? बुलाने दीजिए, उड़ते उड़ते उड़ जाएगा जो रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए कि कल तक जो ममता दीदी थी उनके कई सारे साथी अब छोड़ के आ गए BJP में, तो ऐसे में BJP के अंदर एक छोटा सा TMC नहीं बन गया है? छोटा सा TMC BJP के अंदर खुद बन गया है, तो ऐसे में कहीं आप लोग नहीं नहीं नहीं, जो उड़ा उड़ के निकल जाएगा ममता ही रह जाएगी, जो उड़ा उड़ जाएगा ममता ही रहेगी, उसको कोई नहीं ला सकता। जी जी बोलो। आज TMC में थे, कल को BJP में गए, आज हम वोट BJP को मांग रहे हैं, अगर तो क्या भरोसा उन लोगों का कि यहाँ पे समर्थन करेंगे? यहाँ पे तो और बंगाल को कंगाल बनाने के लिए लोग। ठीक है, एक बात बताइए, एक बात बताइए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आज शुभेंदु अधिकारी है, राजीव बैनर्जी है, वैशाखी चटर्जी है, सारे लोग की जितने TMC के कैंडिडेट थे सारे के सारे उसमें चले गए। आज उन लोगों को जब BJP वाले अमित शाह बोलिए या राजनाथ सिंह बोलिए, सारे जब उन लोगों को लात मारेंगे तो फिर वापस वही बंगाल बैक टू पैवेलियन में आना। बड़ी बड़ी अच्छी पब्लिक है भैया, मुखर होकर बोलती है हर बात, बहुत अच्छा। ये बताइए आप क्या कह रहे हैं? बंगाल है भैया। आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के माहौल को आप देख रहे हैं, बीते कई चुनावों में पश्चिम बंगाल कभी इतना जो है सेंटर ऑफ फोकस नहीं रहा चुनावों के दौरान, इस बार है, ऐसे में ये बताइए क्या लग रहा है माहौल? देखिए कल तक तो, तीन साल पहले तक तो BJP शायद थी ही नहीं मैदान में, इस बार मैदान में आ गई है, कहीं खेला हुए हुए कहीं किसी और तरफ खेला ना हो जाए? खेला तो होगा, खेला चल रहा है। मैं जरा मुद्दा से हट के बात कर रहा हूँ, अब फिर ये बात का सवाल और जवाब मुद्दे में आ जाएगी। दुनिया में हर तरफ, हर मुल्क में जंगल है और हर जंगल में शेर भालू होता है, किंतु वाहिद एक मुल्क ऐसा है बंगाल जिसका जंगल सुंदरबन से पहचान है। दुनिया में जितना भी शेर है जंगल में, एक जगह से और एक जगह का शेर का रंग मिलता है, लेकिन बंगाल टाइगर एक ऐसा टाइगर है जो पूरा दुनिया में उसका जोड़ा नहीं है। वाह, बड़ा बड़ा बढ़िया ढंग से समझा दिया, बड़ा बढ़िया ढंग में आ गया मैं। और इस ये बंगाल टाइगर कौन है? ममता, लावण्य में बैठ के रहती है, जिसका नाम ममता बनर्जी है। और भी एक बात सुन लीजिए, और वो बैठती है सबसे ऊंचा 14 तल्ला में,
14 तल्ले में इसलिए बैठती है कि मैं अपना आवाम के बंगाल का आवाम को ऊपर से ही देख लूँ जो कैसा चल रहा है। हमारा आवाम कोई खतरे में तो नहीं है, कोई परेशानी में तो नहीं है। मोदी ने एक गलती कर दी है बंगाल को चैलेंज करके, वो सोए हुए शेर को जगाने आया है और हम लोग वो है जो थीर दरिया को बहाना जानते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर लोकल लीडर की भी बात होनी चाहिए। देखिए हम लोग जब बात करते हैं चुनावों की तो बड़े बड़े चेहरे, ठीक है ममता दीदी, ठीक है वो मुख्यमंत्री हैं, नंदीग्राम से चुनाव लड़ा, ठीक है बढ़िया है, लेकिन लोकल लीडर की भी तो बात होनी चाहिए। यहाँ पर सुब्रतो मुखर्जी का दिख रहा है मुझे चेहरा, बीजेपी का जो है चेहरा, दोनों में आप बताइए आपके लिए किसने काम किया? सुब्रतो मुखर्जी ऑफकोर्स, यहाँ पर बीजेपी अभी आया नया नया, क्योंकि बीजेपी अब सब इंडिया का हर स्टेट उसने कब्जा कर लिया, अब उसका नज़र है बंगाल पे, तो उसको बंगाल एनी हाउ चाहिए। इसीलिए मोदी और अमित शाह हर दो दिन में कहीं ना कहीं ग्राम साइड में जाकर रैली कर रहे हैं, जो बाप दादा में कोई सोच नहीं सकता जो एक प्राइम मिनिस्टर उतना गांव में चले गया, नामखाना में इतना सारा बॉडीगार्ड लेकर चले गया जिसका। अच्छा ये बताइए केंद्र में कौन पसंद है? केंद्र में राहुल गांधी पसंद है मुझे। राहुल गांधी पसंद है, राहुल गांधी क्यों पसंद है? तीन खूबियां बताइए जल्दी से। राहुल गांधी एक यंग स्टार है, एडुकेटेड है, मोदी से मच बेटर है। यार 55 साल का आदमी यंग स्टार कैसे, क्या है यार, तुम कितने साल के? यूथ है ना चाचा, आप कितने साल के? 45 के। ये यंग है चाचा, उनसे ज्यादा, अरे कैसी बात कर रहे हो यार। यंग है, मोदी को जो चला रहा है एडवाइजर लोग, बड़ा बड़ा अंबानी है ये, वो लोग उसका बात में उठता है चलता है, लेकिन राहुल गांधी अपना एडुकेटेड मतलब फैमिली एक पॉलिटिशियन से बिलोंग करता है, तो वो पूरा फैमिली एडुकेटेड है, वो जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा हम लोग देश का। अच्छा ठीक है, आपने बहुत बढ़िया बात करी, मुद्दा हल्का हालांकि डिरेल हो गया लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। पॉलिटिशियन की फैमिली का, मान लीजिए डॉक्टर की फैमिली का एक बेटा है वो डॉक्टर होता है, तो वो अच्छा डॉक्टर होगा, ये कैसे आप कह सकते हैं? ये राहुल गांधी अच्छा पॉलिटिशियन होगा कैसे? लेकिन एक फैमिली का जो माहौल बनता है, तो एक फैमिली का डॉक्टर का फैमिली पूरा डॉक्टर निकल जाता है, ये आप इनकार नहीं कर सकते, ये बहुत सगा है। तो एक माहौल जैसे आप बच्चों को सिखाएंगे वैसे सीखेगा आप, अगर बच्चों को एडुकेटर बनाए तो एडुकेटर, अगर आप बच्चों को छोड़ देंगे तो वो दूसरा लाइन बहक जाएगा। अच्छा ठीक है, नंदीग्राम में जो अभी चुनाव हुए, हर पोलिंग बूथ पे हल्की फुल्की हिंसा की झड़पें की खबरें आती थी, यहाँ के पानी में क्या है ऐसा कि हिंसा हो जाती? 2018 के पंचायत चुनाव सबको पता है, 34% सीटों पर टीएमसी के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ पंचायत चुनाव में, ये कौन सा डर है? ये डर नहीं है, ये दीदी का मोहब्बत है, दीदी का काम है। आज लोग जो वोट दे रहे हैं या मत समझिए डर की वजह से, वो दीदी का काम देख के दे रहे हैं। दीदी किस तरह काम कर रही है, दीदी यहाँ पे विडो बेवा बद्दा कन्याश्री सास्तो साथी, आप देखिए सातों साथी, अभी सातों साथी के लिए वो टीएमसी का लोगों के लिए नहीं दी है, जबकि पूरा आवाम, पूरा बंगाल के आवाम, 10 करोड़ की आबादी है इस बंगाल में, सबको दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टीएमसी कांग्रेस बीजेपी तक के घर का लोग भी ये चीज़ का इस्तेमाल करें, तो दीदी का काम देख रहे दीदी जो। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए अगर परिवर्तन हो गया, मान लो हो गया, फिर आपको क्या फर्क पड़ जाए? हमको दीदी चाहिए हर कीमत पर, दीदी दीदी छोड़ के हर कुछ नहीं। दीदी ने ऐसा क्या जादू किया है कि मुझे बता दीजिए, मुझे समझा दीजिए, काम किया है? काम है, ये काम क्या है? देखिए वो तो चाह रहा है, बीजेपी क्या बोल रहा है, परिवर्तन परिवर्तन, वो परिवर्तन नहीं, बंगाल को खाली बर्तन धरा देगा, वो परिवर्तन नहीं करेगा, बंगाल को खाली बर्तन पकड़ा देगा। सेंटर में जिस तरह देखे कैसा करके आज आपका रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, आप देखिए अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी के नाम से है, कल बंगाल को अपने नाम से कर दिया, बंगाल वेस्ट बंगाल नहीं नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल, ये नाम अपना जोड़ दिया, वो किसी भी चीज़ को भेज सकता है। अच्छा एक बात बताइए, और नंदीग्राम में ममता दीदी ने 3 दिन के अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके 27, 28, 29 वहीं पर डेरा जमा दिया, ये क्यों जमा दिया डेरा, जब ममता दीदी को पता है कि जीती जाएंगी तो डेरा जमाने की जरूरत क्या थी? उसका डेरा इसलिए जमाया गया ना कि उनको जो है बीजेपी के जो भी लीडर लोग उठे हैं उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन लोगों का भरोसा नहीं है कि ये लोग रातें रात जो है ना सारे हमले कर देते हैं। जिला प्रशासन आपका बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, आपका दो कल के जो वहाँ पे हुआ है, उसके बाद सुबह 7 बजे आप जो है आप शुभेंदु अधिकारी ने सारे जो अपने वोट नंबर एसपीडीएम शुभेंदु अधिकारी का ऑर्डर थोड़ी ना फॉलो करते हो, तो ममता दीदी के करते हैं, तो आप शुभेंदु अधिकारी सारे वोट पे आप जा करके हिस्ट्री उठा करके आप मालूम कर लिए, हम तो मालूम करके बैठे हुए 900 वोट में, वहाँ पे 800 वोट जो है ना वो उन्होंने खुद से कर दिया गया, और जब वहाँ पे बूथ के टीएमसी के लोग बैठे हुए थे तो उन लोगों को भगा दिया गया, लेकिन इंस्ट्रक्शन उन लोगों ने बहुत लेट से दिया था ममता बनर्जी को, तभी जाकर के ममता बनर्जी ये बात कंप्लेन किया जब इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सके बिकॉज वो तो खुद बिके हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ पर लास्ट कमेंट ले लेता हूँ, लास्ट कमेंट ले लेता हूँ, कौन आ रहा भाई, कौन आ रहा है? दीदी दीदी ममता बनर्जी खेलो हो
यहाँ पर जो माहौल है बहुत गर्म हो गया, जो बच्चा भी बोल रहे क्या दीदी 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 पूरा नाम बताओ दीदी का। ममता दीदी। कौन आ रहा है? ममता दीदी। बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पर जो माहौल है वो आपको सीधे बता दे कि माहौल एक तरफ नजर आ रहा है, माहौल ये बता रहा है कि इस जगह पर, तो क्षेत्र की बात कर लूं तो यहाँ पर हर कोई कह रहा है ममता दीदी ममता दीदी। लेकिन एक बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जो फैक्टर है जो इस चुनाव में सबसे बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है वो है साइलेंट वोटर। क्योंकि यहाँ के जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो बड़ा मुखर होकर बोलते हैं, ऐसा लगता है कि कोच्ड है। तो ऐसे में इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आखिरी समय पर अगर साइलेंट वोटर ने अपना खेला कर दिया तो सचमुच खेला हो सकता है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।